रहीम सलामुल्लाहि अला बकियतिल्लाहिल आज़म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फोर इंटरनेशनल टीवी करबला मौला से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। 21 माह अज़ीम रमज़ान के हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला वजूद नाज़नी हज़रत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से रहा और आज भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हज़रत अमीर अल मोमिनीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही के खलीफ़ा बिला फसल और मकसूद खिलकत कायनात मौला दो जहान हज़रत अमीर मोमिनान अली इब्न अबी तालिब अलैहिम सलाम के उनवान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। और इस उनवान से मैं अर्ज़ करूँ कि बेशक अगर जब भी किसी मासूम से न किसी आम शख्स से किसी मासूम से जब उसकी तारीफ की जाती थी तो वो कहते थे आप लोगों ने अली को नहीं देखा, अगर अली को देखते तो आप ये न कहते। यानी हत्ता जो फजीलत भी थी, चाहे वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की करामत हो, सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शुजात और इस्तेकामत हो, चाहे वो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की जुहद और इबादत हो, चाहे वो हज़रत बाकर अलैहिस्सलाम के इलम जूद व तकवा हो, या दीगर आइमा अज़हार अलैहिस्सलाम के जितने भी कमालात है, जब उनसे सवाल किया जाता था बल्कि उनकी जब तारीफ़ होती थी और ये कहते थे कि क्या तकवा है, क्या इलम है, क्या हिलम है, क्या करामत है, तो वो उनके जवाब में यही कहा करते थे आपने अली को नहीं देखा, अगर अली को देखते तो कतई तौर पर आप ऐसा न कहते। यानी सरमश्क व नमूना है तमाम अइमा अतहार अलैहिस्सलाम के लिए। दो शख्सियात है रवायात में जो मिलता है, वैला सब जो है वो एक नूर है और एक ज़ात है, लेकिन जहाँ रवायात में है, रवायातें नसूस की बुनियाद पे मैं ये कह रहा हूँ, एक जो है वो अली है और एक फ़ातिमा अलैहिस्सलाम, दोनों जो है वो सरमश्क व नमूना है अइमा अतहार अलैहिस्सलाम के लिए। हत्ता तो इस इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज जिस उनवान से गुफ्तगू करेंगे तो इतने ज़्यादा अगर फ़ज़ाइल है तो उसके बावजूद भी जब शहादत वाक़ हुई है तो फिर फरमाया कि फुस्तो व रब्बिल काबा, आज मैं कामयाब हो गया। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस उनवान से हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मोहम्मद रज़ा मारूफ़ी साहब क़िबला आज़मगढ़ से, और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि हमारा राबता कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हुजूर कैसे मिजाज है आपके, खैर आफियत से हैं इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। सबसे पहले तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आपने हमें वक्त दिया और खिदमत का मौका हमें फराहम फरमाया, और साथ साथ में हज़रत अमीर मोमिनान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत के उनवान से आपकी खिदमत में अर्ज़ ताज़ियत व तसलियत पेश करते हैं। और अगर क़िबला आप इजाज़त फरमाएँ, चूँकि वक्त हमारा मुख्तसर है, तो मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ आ जाऊँ और सवालात का सिलसिला शुरू कर सकूँ। जी जी बिस्मिल्लाह। जी शुक्रिया क़िबला। इब्तिदा में मैंने अपनी कम इल्मी में थोड़ी सी गुफ्तगू की कि हत्ता अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब जिसको कोई शुमार नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद भी जब शहादत वाक़िया हुई है, यानी हज़रत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का मशहूर जुमला के फुस्तु व रब्बिल काबा, खुदा की कसम आज मैं कामयाब हुआ, इसका क्या फ़लसफ़ा है, इस उनवान से अगर एक वजाहत हो जाए। जी, इंसान यूं जब अपने कमालात बयान करता है तो अपने अंदर की तमाम के तमाम चीज़ों को देखने के बाद और परखने के बाद ही बयान करता है। जी वैसे जब कोई शख्स किसी को देखता है किसी मरहला में कामयाब होता हुआ जी, तो वो फैसला करता है कि ये कामयाब हो गया, लेकिन कामयाबी की निस्बत जिसकी तरफ दी जा रही होती है जी, असल फैसला तो उसे करना है कि वाकई वो किस हद तक कामयाब हुआ है। जी बिल्कुल। यूं तो मौलाए कायनात हजरत अमीर कायनात
अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हर लम्हा और हर कदम कामयाबी जी से लबरेज रहा है, बेशक से लेकर गदीर और अपने आपके वक्त शहादत तक, जो कि आप इमाम मासूम और जिम्मेदार दीन हैं, जी और जिम्मेदार दीन का कोई भी कदम कामयाबी से अलग नहीं होता। बेशक बेशक लिहाजा मौलाए कायनात की जिंदगी का हर लम्हा हर लहजा कामयाबी से भरा हुआ था, बेशक फिर भी मौलाए कायनात ने किसी भी मरहले में और किसी भी लम्हे में बड़े से बड़े मार्के अपने सर किए, जी चाहे वो सुलह का मैदान हो या जंग के मार्के हो, जी जंग के मैदान हो, हर मकाम पर मौलाए कायनात ने कामयाबी हासिल की है, बेशक लेकिन किसी मकाम पर आपने दावा नहीं किया कि मैं कामयाब हो गया। बेशक और किसी भी मरहले में कामयाबी के बाद जब इंसान कामयाबी तस्वुर करता है तो जी फौरन ही कामयाबी का ऐलान कर देता है, लेकिन मौलाए बेशक कायनात ने बावजूद के आप जिस जिन जिन मंजिलों पर आप कामयाबी से हमकिनार हुए हैं जी और उनको आगे की जिंदगी में पूरी तरीके से इल्म था कि आगे भी जिंदगी मेरे कामयाब ही गुजरेगी, जी हर लम्हा मेरा कामयाब होगा, हर कदम मेरा कामयाब होगा, जी फिर भी आपने अपनी कामयाबी का ऐलान नहीं किया। लेकिन बेशक हम जैसे इंसानों की क्या सूरत हाल है कि हम फौरन अपनी कामयाबी का ऐलान कर देते हैं, जी क्योंकि हम जिस मकाम पर अपनी कामयाबी का ऐलान करते हैं उसी को हम अपनी जिंदगी का हर्फ आखिर समझते हैं, जी जबकि ऐसा नहीं नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल इंसान अपने आप को उस वक्त कामयाब समझे जब उसकी मुकम्मल जिंदगी कामयाब हो जाए। सही मौलाए कायनात ने जो अपने आखिरे वक्त में, वक्ते शहादत जब आपको यकीन हो गया कि अब मुझे बारगाह एजदी में जाना है, तो उस वक्त आपने अपनी कामयाबी का ऐलान फरमाया इन लफ्जों में कि जी फुज्तु व रब्बिल काबा, काबे जी के परवरदिगार की कसम मैं कामयाब हो गया। अल्लाह तो अकबर मौला ने अपनी जिंदगी में किसी भी मकाम के ऊपर अपनी कामयाबी का ऐलान नहीं किया, बड़े बड़े से बड़े मार्के सर किए। आप गौर करें कि जी उस वक्त जब पैगम्बर इस्लाम ने वाकई ज़ुलाशीरा में जी एक एक लफ्ज को अगर आप तवज्जो के साथ देखें कि सही कैसी कैसी साजिशें रची गई, पैगम्बर जी इस्लाम मौलाए कायनात के जरिए से लोगों को बुलवाते रहे, दावत देते रहे, खिलाते रहे, पिलाते रहे, फिर भी सही जब आप अपनी नबूवत के बारे में बताना चाह रहे हैं तो जी उस वक्त ऐसे ऐसे दुश्मनाने दीन थे, रसूल के दुश्मन थे, खानदानी दुश्मनी थी, दीनी दुश्मनी थी, ये पैगंबर इस्लाम को एक लफ्ज बोलने देना तक नहीं चाहते थे। सही लेकिन जब जनाब अबू तालिब का सहारा मिला और आपने फरमाया कि मेरे भतीजे, मेरे सईद सरदार, आपको जो बोलना है बोलिए, उस वक्त मौलाए कायनात ने जब पैगंबर इस्लाम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया और अपना मददगार तलब किया, कौन है जो इस मिशन में मेरा साथ देगा, तो जी मौलाए कायनात ने अपना एक हदफ बनाया जो हदफ परवरदगार आलम ने उनके हवाले किया था कि अली नबी होंगे तो अली नबी अस्तगफिरुल्लाह के माफ कीजिएगा कि अगर अली के नबी नबी है ये पैगाम लेकर जाएंगे तो इनके साथ साथ इनका साथ देने वाला इनका वजीर अली भी होगा। यही वजह थी कि आपने इंतजार किया 40 साल तक, सही यहाँ तक कि जब 30 आमुल फील में मौलाए कायनात की विलादत हुई जी और 10 साल का हो गए तब जाकर पैगंबर इस्लाम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया है। तो वहां जी पर जो पैगंबर इस्लाम से आपने वादा किया था कि मैं आपकी मदद करूंगा, आपकी जी नुसरत करूंगा, आपके दुश्मनों से आपका दिफा करूंगा, जी पैगंबर इस्लाम के तई मौलाए कायनात का ये एक हदफ था, एक मकसद था, जी इस मकसद में तो मौलाए कायनात कामयाब हो गए। लेकिन अल्लाह आखिरी वक्त में जब पैगंबर इस्लाम को इस दुनिया से जाना था तो वो अजीम जिम्मेदार है जिसे परवरदगार आलम की तरफ से मौलाए कायनात के हवाले किया गया था, जी मैदान गदीर में पैगंबर इस्लाम ने अली के हवाले कर दिया कि अली अब तुम जानो, ये दीन जाने, अल्लाह अब मैं इस अकबर दुनिया से जा रहा हूं। जी लिहाजा मौलाए कायनात ने उसके बाद जूं तो सहारा थे पैगंबर इस्लाम जी जिस मकाम पे ऊपर, बल्कि यूं कहा जाए कि मौलाए कायनात पैगंबर इस्लाम के सहारा, तो पैगंबर इस्लाम मौलाए कायनात के सहारा थे दीन को आगे बढ़ाने के लिए, जी लेकिन पैगंबर इस्लाम तो मौलाए कायनात तन्हा हो गए ना। जी अब ये एक अजीब जिम्मेदारी थी, गले में रस्सी का फंदा डाला जाना, उस वक्त अल्लाह सब्र करना,
घर में आग लगाया जाना, उस वक्त सब्र करना वगैरह, उसकी तमाम की तमाम ये मराहिल थे जहाँ पे मौलाए कायनात यके बाद दिगरे कामयाब होते गए कामयाब होते गए, लेकिन आपने कहीं भी अपनी कामयाबी का ऐलान नहीं किया। मैदान जंग में दुश्मनों के सामने तलवारें चला लेना ये बहुत आसान काम होता है, जी लेकिन दीन को बचाने के लिए, दीन के लिए सब्र कर लेना, गले में रस्सी का फंदा बंधवा लेना और मुख्तलिफ अजियतें बर्दाश्त करना, ये एक शुजा तरीन शख्स के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन मरहला होता है। इस मरहले में अगर इंसान कामयाब हो जाए तो यकीनन इसी को कामयाबी कहते हैं, सब्र की कामयाबी, दब्त की कामयाबी। इंसान अपने ऊपर तहम्मुल किए हुए काबू रखे हुए है, कैसे कैसे संगीन हालात है, खतरनाक हालात है। आमतौर से लोग कहते हैं कि मौलाए कायनात ने जंग उहद फतह की कामयाबी का ऐलान किया, खैबर फतह की कामयाबी का ऐलान नहीं किया, खंदक में आपने फतह कामरानी का शहर आपने सब बाधा कामयाबी का ऐलान नहीं किया, अमर को पछाड़ा कामयाबी का ऐलान नहीं किया। मैं कहूँ ये जो मरहले थे ना, ये मौलाए कायनात के लिए बिल्कुल आसान मरहले थे। जी यहाँ पे कामयाबी का ऐलान किया तो क्या किया, यहाँ पे कामयाबी का ऐलान मनता भी नहीं था। जी असल तो मरहले थे सख्त और मुसीबत वाले, वो उस वक्त थे जब इमाम आली मकाम के अपनी जात और दीन के दरमियान मामला था, या तो अपनी जात को बचा ले या दीन को बचा ले, इसलिए इमाम आली मकाम ने दीन को तरजीह दी, गले में रस्सी का फंदा बंधवा लिया। और यही सीरत तो यही किरदार इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ भी रहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ भी रहा, कैसे कैसे मराहिल इन्होंने बर्दाश्त किए, और इसी को असल कामयाबी कहा जाता है। लिहाजा मौलाए कायनात ने हमें दर्स दिया, एक सबक दिया कि देखो जिंदगी के जब तक तुम्हारी आखिरी सांस, जब तक तुम्हारी आखिरी सांस दीन के ऊपर खत्म ना हो जाए, उस वक्त अपने आप को कामयाब न समझना। इसके बहुत सारे शवाहिद हमारे मौजूद है, खुद कुरान मजीद में वो आयत मौजूद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तहसबन्नल्लज़ीना क़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल हयाउन 'इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, के वो अफराद जो राह खुदा में कत्ल कर दिए गए उन्हें तुम हरगिज मुर्दा न समझना, बल्कि वो जिंदा हैं और अल्लाह के पास रिज़्क़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर परवरदिगार आलम ने राह खुदा में कत्ल हो जाने वालों के सिलसिले में फरमाया कि ये शहीद हैं, ये जिंदा हैं, इनको परवरदिगार आलम ने शहीद कहा है। शहीद के माने क्या होता है, गवाही देने वाला। मैं अपनी गुफ्तगू को वहां से मरबूत कर रहा हूँ कि मौलाए कायनात ने जो हमें दर्श दिया है, बावजूद है कि आपकी जिंदगी का हर लम्हा कामयाब रहा, कहीं पर भी आपने अपनी कामयाबी का ऐलान नहीं किया, किया है तो उस वक्त जब आपका आखिरी वक्त आया, जब आपको यकीन हो गया कि सर पे इब्ने मुल्जिम मलून की दरबत लगी है, लिहाजा इस दुनिया से अब मुझे अपने परवरदिगार की बारगाह में हमेशा के लिए जाना है, लिहाजा अब आगे अब कोई ऐसा मरहला रहा ही नहीं है जहां पे कामयाबी का कोई तसव्वुर हो, लिहाजा यही हमारी आखिरी कामयाबी और पूरी जिंदगी की कामयाबी का ऐलान आपने उस मकाम पे कर दिया है। तो इस आयत के हवाले से इस तरफ मुझे रुख देना है कि इस आयत के हवाले से भाई गवाही, शहीद के माने गवाही देना, शाहिद माने गवाही देना, शहीद माने गवाही देना, बस फर्क हम ये कर सकते हैं कि शाहिद उसे कहते हैं जो उमूमी तौर से गवाही देता है, लेकिन शहीद उसे कहते हैं जिसकी गवाही पुख्ता है। इसी तरह मुझे इशारा करना है, गवाही तो हम भी देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, यानी वो लोग जो जिंदा हैं मौजूद हैं, अजान में गवाही देते हैं, इकामत में गवाही देते हैं, तशहुद में गवाही देते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मैं गवाही देता हूँ कि मौलाए कायनात अल्लाह के वली हैं, रसूल के खलीफा वगैरह वगैरह, हम भी सारी गवाहियां दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें शहीद नहीं कहा जाता। जी किसी गवाही देने वाले का नाम जब शहीद है तो किसी जिंदा शख्स को शहीद नहीं कहा जाता जो इस दुनिया से चला जाता है राह खुदा में, सही जंग करते हुए दुश्मन की तलवार के या नैज़ों और तेग़ो तबर के जरिए जब उसको कत्ल कर दिया जाता है तब उसे कहा जाता है शहीद। वजह क्या है, जिंदा लोग भी तो गवाही दे रहे हैं,
बिल्कुल इन्हें भी तो शहीद कहा जाना चाहिए। कहा यही फर्क है जिसकी तरफ मौलाए कायनात ने इशारा किया है कि खुश तो बराबर बिल काबा रब्बे काबा के ओकस में कामयाब हो गया। जिंदगी के दरमियाने किस लम्हे में आपने कामयाबी का ऐलान नहीं किया, आखिरी मरहले में आपने कामयाबी का ऐलान किया है। यही दर्स है जो हमें इस आयत से भी मिलता है कि परवरदिगार आलम ने सबको शहीद नहीं कहा, हर गवाही जी देने वाले को शहीद नहीं फरमाया है, बेशक बल्कि उस शख्स को शहीद कहा है जिसकी गवाही इतना इतनी पुख्ता हो कि वो अपने मौकिफ की गवाही देते देते इस दुनिया से चला जाए। अल्लाह अकबर, बहुत सही सारे लोग हम देख रहे हैं कि हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, अजान में भी गवाही दे रहे हैं, इकामत में भी गवाही दे रहे हैं, तशहुद में भी गवाहियों पे गवाही दिए जा रहे हैं, जी लेकिन होता यह है कि बहुत सारे अफराद को हमने देखा कि जब वक्त आखिर आया तो वह ईमान पे नहीं मरे बल्कि कुफर की मौत मरे, ला इलाहा इल्लल्लाह, शायद बिल्कुल की बिल्कुल मौत मरे, शिर्क की मौत मरे। जी क्यों? तो क्या अगर दरमियान ही में, जिंदगी के दरमियान ही उन्हें शहीद कह दिया जाता, शहादत का दर्जा हासिल हो जाता, तो जी आखिरी वक्त में जब वो शहादत की मौत नहीं मर रहे हैं, इसलिए तो पैगंबर सलाम ने फरमाया जी कि शहादत का दर्जा हासिल करने के लिए मैदान जंग में जाना जरूरी नहीं है। अगर सही कोई बिस्तर पर ही मर जाए, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जी बिस्तर पर बेशक भी मरने वाला मर रहा है और आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए तो शहीद मरता है, जी क्योंकि वो इस गवाही की हालत में मरा है कि आले बैत अलैहिम सलाम सच्चे हैं, अल्लाह के नुमाइंदे हैं, पैगम्बर इस्लाम के बाद पैगम्बर की शरीयत के जिम्मेदार हैं। तो बेशक लिहाजा दरमियाने राह में जो मेरा इस जो मौजूद गुफ्तगू है मौलाए कायनात की कामयाबी, और जी कामयाबी का ऐलान आपने दरमियाने जिंदगी में न करके बल्कि आखिरी जिंदगी में किया है, जी जबकि आपको मालूम था कि आगे की जिंदगी भी हमारी कामयाबी कामयाब है, यानी मौला की जिंदगी कामयाबी कामयाब है, यकीनन फिर भी आपने अपनी कामयाबी का ऐलान नहीं किया, आखिरी वक्त में किया है। ये मौला हमें दर्श देना चाहता है कि याद रखो, तुम्हें कामयाब जिंदगी उसी वक्त मिलेगी, तुम्हें कामयाबी से हमकिनार उसी वक्त कहा जाएगा जी जब आखिरी सांस तुम्हारी हक्को हक्कानियत के रास्ते पर बाकी रहे और इसी हालत में तुम गुजर जाओ। ये बेशक मौला बेशक का इस हवाले से दर्स है और हमारे लिए इबरत और सबक है कि देखो बेशक कभी भी अपने आप को दरमियाने राह में जी कामयाब न तसव्वुर कर। मौला बेशक कायनात ने अपनी जिस कामयाबी का ऐलान किया है वो आपकी अपनी जात की कामयाबी का ऐलान नहीं था, जी अपने सही घर वालों की कामयाबी का ऐलान नहीं था, जी बल्कि उस जिम्मेदारी की कामयाबी का ऐलान था जो परवरदिगार आलम ने अपने हबीब के जरिए से मैदान गदीर में आपके हवाले होने का ऐलान किया था। हवाले तो अल्लाह अकबर आपके जिंदगी से पहले ही, बल्कि जी जैसा कि पैगम्बर सलाम ने फरमाया कि मैं उस वक्त में नबीता जब आदम अबू गिल के दरमियान थे, वो जी आना वाली मैं और एक ही नूर से हैं, जी तो बिल्कुल जब एक ही उस वक्त उनकी खिरकत हो गई थी तो ये जिम्मेदारियां भी उस वक्त उनको मिल गई थी, जी लेकिन जिम्मेदारियों को अंजाम देने में जो कामयाब होना था वो जो सबसे सख्त मरहला था मौलाए कायनात के लिए सही पैगंबर इस्लाम की वफात के बाद। सही अब मुसलसल मैं इस पहलू की तरफ इशारा करता रहता हूँ और जी मेरा मानना भी यही है कि मैदान जंग में जाकर तलवार चला लेना ये मौलाए कायनात के लिए बहुत ही आसान मरहला था, जी सही लेकिन दीन को बचाने के लिए, शरीयत के तहफुज के लिए जी अपने आप को जुल्म और जालिमों के हवाले कर देना ये इंतहाई सख्त मसला था। जी आज बेशक हमारे एतराज हो रहा है ना, ये जी कैसे हो सकता है कि मौलाए कायनात जैसे शेर खुदा वो गले में रस्सी का फंदा उनके हो अल्लाह जाए। जी ये लोग मौला की सिफत को समझ नहीं पा रहे हैं, क्यों ये जी एतराज करते हैं, यानी स्थिति इनकार ही करते रहे हैं। घर घर के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, कोई आग और लकड़ी नहीं लाई लाई गई, कोई दरवाजा नहीं जलाया गया, कोई गले में फंदा नहीं डाला गया, क्योंकि मौलाए कायनात शेर खुदा है। भाई मौलाए कायनात का शेर खुदा होना एक अजीम मंजिल है, जी लेकिन उससे कहीं ज्यादा आपकी अजीम मंजिल और कामयाबी का सबूत है कि इतनी ज्यादा हिम्मत और शजाअत और मर्दानगी रखने के बावजूद जी आप जिस कामयाबी से हमकिनार हुए हैं वो ये हालात थे कि सब बेशक कुछ रखने के बावजूद घर के ऊपर बेशक हमला हो रहा है, दीन के अल्लाह लिए आप अकबर खामोश, बेशक घर वालों को सताया जा रहा है, दीन के लिए आप खामोश हैं, जी और आगे भी हाकिम शाम के साथ कितने सारे मराहिल आए, जी कैसे कैसे उसने धोखेबाजियां की बिल्कुल और उसके बाद कायनात ने सब्र किया। इन्हीं तमाम मराहिल की तरफ सब्र करने में आप कामयाब रहे,
इसी कामयाबी का ऐलान मौलाए कायनात ने इस अपने आखिरी वक्त में दिया है और बेशक ऐलान किया है, और हम सबको और तमाम मोमिनों मोमिनात को जी हमें और सबको नसीहत दी है और हमें एक अजीम दर्स दिया है। आपकी जिंदगी का एक अजीम दर्स है कि जी याद रखो, कभी भी दरमियाने जिंदगी में अपने आप को कामयाब न समझना, क्योंकि सही पता नहीं तुम्हारी जिंदगी आते वक्त में कामयाबी पे गुजरे न गुजरे, जी हक पे गुजरे न गुजरे, दीन और शरीयत के रास्ते में बिल्कुल गुजरे न गुजरे, आखिरी वक्त बेशक में शैतान ने बहका दिया। इसलिए हम दुआ बेशक करते हैं बार इलाह कि हमें इस दुनिया में रखना तो मोहब्बत अहले बैत अलैहिम सलाम के साथ रखना, इलाही और इस आमीन दुनिया से उठाना तो मोहब्बत के साथ इलाही उठाना, आमीन ताकि हमारे मौत भी शहादत की मौत करार पाए। इलाही आमीन। किबला, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने वजाहत फरमाई। आखिर में 1 मिनट का टाइम है, अगर कुछ बात करना चाहे, कोई पैगाम देना चाहे, बिस्मिल्लाह फरमाए। जी, पैगाम मेरा यही है कि इंसान को दरमियाने जिंदगी में कभी भी अपने आप को कामयाब नहीं करना चाहिए। जी इंसान को अपनी जिंदगी को मौलाए कायनात की जिंदगी आपकी सीरत से मिलाना चाहिए कि सही आपने किन मकामात के ऊपर, किन सख्त मंजिलों के ऊपर बेशक आपने सब्र किया है दीन के लिए, इस्लाम के लिए। जी लिहाजा अगर किसी को दीन की राह में, इस्लाम की राह में, शरीयत की राह में परेशानियां आ रही हैं तो खुशी के साथ मौलाए कायनात की सीरत पे अमल करते हुए उन्हें बर्दाश्त करनी चाहिए बेशक और अपने दीन का तहफ्फुज़ करना चाहिए, क्योंकि दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, असल हमारी जिंदगी तो वहीं पे है। जी लिहाजा बेशक अगर हमें आखिरत की जिंदगी जी बेहतर बनानी है और मौलाए कायनात के जवार में रहना है, आले बात अलैहि वसल्लम के साय में रहना है, जी जन्नत तक पहुंच पहुंच जाने की कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारी असल कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने आमार और अकीदे के जरिए से वो दर्जा हासिल करें कि इनका जवार मिल सके, हम इनके साथ में रह सकें, बेशक बेशक वरना जन्नत बहुत सारे दर्जात हैं परवरदिगार आलम। अगर हमने दावा मोहब्बत किया है और थोड़ी उन्हें मोहब्बत के एतबार से हमने जिंदगी जी गुजारी है तो जी जन्नत के किसी भी दर्जे में हमें रख देगा, उनका दर्जा तो हमेशा के लिए हमें नसीब नहीं होगा ना, जी जिनसे हम पूरी जिंदगी मोहब्बत के कदम भरते रहे हैं। जी हमारे लिए हम जन्नत में होते हुए भी हमारे लिए सबसे ज्यादा अजियतनाक और परेशानी का सबब यह होगा जी कि हमेशा वाली जिंदगी में जिनके साथ रहने का दुनिया में हम दुआ करते थे, दावा करते थे, मातम करते थे, गिरजा जी करते थे, हमेशा के लिए हमें जन्नत में उन्हीं का साथ नहीं मिल सका। लिहाजा बेशक हमें ऐसी कोशिश बेशक करनी कि हमारे हमारे आमालो अकाद इतने बुलंद हों, जी इतने आली हों, हम इतने कमाल को उस मंजिल तक पहुंच जाए कि जन्नत में भी हमें इन्हीं का साथ मिले। बेशक बेशक। किबलाल, आपके तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू आपने फरमाई, और यकीनन ये सब नुकात जो है मोमिनीन के लिए ज़रूरी और लाजमी है। अल्लाह आपके तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। एक दफ़ा फिर भी नहायत ही तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आप तशरीफ़ लाए और नहायत ही मुहिम नुकात पर आपने किबला इशारा फरमाया। आपका बहुत शुक्रगुजार बहुत हूँ। शुक्रिया कि आपने अपने चैनल के हवाले से हमें मोमिन तक ये पैगाम पहुंचाने की सआदत बख्शी है। खुदावंद आलम आपको और बुजुर्ग तमाम आमीन। आपके साथ काम करने वाले, खिदमत दीन अंजाम देने वाले की तौफीकात में इजाफा करें। इलाही मुस्तहिक आमीन इलाही आमीन। शुक्रिया किबला, इजाज़त चाहेंगे। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मोहताज दुआ जी। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आप समात फरमा रहे थे हुज्जतुल इस्लाम अल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मोहम्मद रज़ा मारूफ़ी साहब किबला से, और इन्होंने इस नुकात से कि खुद अमीर अल मोमिनीन अलैहि सलातो वसलाम की हयात तय्यबा, बल्कि उसका एक एक जुज़ और एक एक मरहला हम लोगों के लिए नमूने अमल है, और इसमें कोई शक शुबा नहीं है। चाहे वो हज़रत का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि के ज़िंदगानी में जो ज़िंदगी है, या उसके बाद वाली ज़िंदगी है, या उससे जो है ख़ुद हज़रत की जो हुकूमत है, इसमें से हर मरहला हमारे लिए नमूने अमल है, इसमें कोई शक शुबा नहीं। और आपके इसार, आपकी शुजात, आपका इलम हर मैदान में, जो भी मैदान है, अलबत्ता उस तरीके से कोई बन नहीं सकता कि खुद अमीर अल मोमिनीन अलैहि सलाम के लिए बन की तरह बन सके, लेकिन यह है कि कम से कम उनको अपने लिए नमूना और सरमशक करार देना चाहिए। इंशाल्लाहुल अज़ीज़ आपके हाजिर खिदमत रहेंगे मुख्तलिफ उनवानात से, और आप हमें अपनी दुआओं में फरामोश न फरमाएं। वक्त तकरीबन इंतहा पर है, और आखिरी जो हमारी दुआ होती है हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए, आए मिलके दुआ करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलीयकल फरज।